प्यारे बच्चों, आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात सदृशं समान त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में सदृशम समान, वचनेषु च सर्वेषु सदृशम और सर्वेषु वचनेषु सभी वचनों में सदृशम, जो समान रहता है। यन्न, यहाँ दो शब्द, यत और न, यत माने जो, न माने नहीं, वेति मतलब चेंज होता है, तद अव्ययम उसको अव्यय कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी में अविकारी शब्द हैं, इसी प्रकार संस्कृत में भी अविकारी अर्थात अव्यय शब्द हैं। उनकी परिभाषा दिए, जो कभी भी चेंज न हो, कभी भी न बदले। कहाँ कहाँ न बदले? तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में, जो एक जैसा रहे उसे अव्यय कहते हैं। अब आगे देख, इसी श्लोक का हिंदी अर्थ बता रहे हैं, जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों तथा सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो अथवा जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। इनके रूप में लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, अतः एव ये अव्यय अविकारी कहलाते हैं। अतः पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द, उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग सहित नीचे दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये अव्यय दिए गए हैं, ये अव्यय, अव्यय का अर्थ, अव्यय, अव्यय का अर्थ, अव्यय, अव्यय का अर्थ, ये जो टेबल है ये बच्चों आपने याद करनी है। अव्यय ये संस्कृत में अपि भी, ये टेबल आप लोगों को याद करनी है। और आगे देखते हैं भी क्या आता है इसमें। ये सारी टेबल आने के बाद में यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है देखिएगा, ये यहाँ आपको बता जा रहा है। उपर्युक्त अव्ययों में से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित अव्यय शब्दों को उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग सहित नीचे दिया जा रहा है। अर्थात बच्चों, आपके जो आठवीं कक्षा का जो सिलेबस है उसमें वन से लेकर के यहाँ आपके 64 तक की अव्यय दिए गए। मैं दो तीन हम देख लेते हैं, एक बार दो तीन वाक्यों को देख लेते हैं। पहला है अधुना, अधुना मीन्स अब, अधुना अहम पठामी, अधुना अब, अहम में पठामी पढ़ता हूँ, अब में पढ़ता हूँ। दूसरा है अद्य, अद्य मीन्स आज, अद्य अवकाश है अस्ति, आज अवकाश है, आज छुट्टी है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस लेसन को पढ़ना है, समझना है और याद करना है। तो आगे देखेंगे आप, आगे 64 के बाद में एक्सरसाइज आ जाती है, ये भी आपको भरी भराई मिलेगी, आपको पीडीएफ में आपके पास में पहुंच जाएगी। तो बच्चों मेन बात क्या है कि अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं जो कभी चेंज न हो। तो ये अपना हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।